दोस्तों, जब यूपीएससी में सिलेक्शन होता है तो हर एक इंसान एक बात चाहता है कि यार बस आईएएस की पोस्ट मिल जाए किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि वो सबसे पावरफुल पोस्ट होती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, बाकी सारी पोस्ट जो रहती है वो उसके नीचे आती है। इवन जो आईपीएस अधिकारी होता है वो भी आईएएस को रिपोर्ट करता है जब लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन मेंटेन रखने की बात की जाती है एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो सोचो एक बार के लिए, वही आईपीएस अधिकारी जो है, जो आप लोगों को सैल्यूट ठोकता था, आप लोगों को आकर सारी चीजों की रिपोर्टिंग देता था, अब वो गिरफ्तार करेगा अपने ही बॉस को, तो कैसा लगेगा? तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि जो पुराने ऑफिसर्स हैं आज के डेट में हमारे देश के अंदर में, उनको एथिक्स का पेपर पढ़ने को नहीं मिला बेचारों को, क्योंकि 2013 में ऐड किया गया यूपीएससी के द्वारा, तो वो एथिक्स का पेपर पढ़ ही नहीं पाए। तो नॉर्मली ऐसी हरकतें करते हुए यहां पर पाए जाते हैं। तो अभी जो ये आईएएस अधिकारी हैं, इनके पास में अपनी संपत्ति से 500 गुना ज्यादा, बेसिकली इनके पास में संपत्ति मिले, यानी कि जो आय थी उससे 500 गुना ज्यादा इनके पास में संपत्ति पाई गई है अभी फिलहाल। और इनको एक खिताब भी यहां पर मिल गया है, उत्तराखंड के पहले आईएएस अधिकारी जो जेल जा रहे हैं, तो ये इनको एक खिताब मिला है यहां पर। अब मैं कुछ बातें आप लोगों को बता दूं यहां पर इनके बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो आईएएस अधिकारी है यहां पर, ये एक तरीके से, वो नहीं कहते एक इंसान जो है ठाट बाट से रहता बिल्कुल, और खासकर कौन इंसान ठाट बाट से रहेगा जिसके द्वारा पहले भी हरकतें की जा चुकी हो और जो पहले भी न पकड़ा गया हो। तो पहले भी इनके ऊपर कई सारे आरोप लगाए गए थे पर लेकिन इनको पकड़ा नहीं गया, पर अब की बार इनके ऊपर शिकंजा जो है वो बड़ा टाइट वाला कसा गया। इनको निलंबित भी कर दिया गया और निलंबित के साथ साथ में इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाम है राम विलास यादव, उत्तराखंड में यहां पर ये अपनी सेवा दे रहे थे। तो यहां पर गोपनीय रूप से उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर जैसे इनके ऊपर आरोप लग रहे थे, तो इनके खिलाफ जो है एक पर्टिकुलर, उन्हें कहते कि देखने के लिए कि क्या कर रहा है ये अधिकारी जिसके खिलाफ इतनी सारी जो फालतू की जो शिकायतें आ रही हैं, तो उसके लिए अपना चेक करना स्टार्ट करा दिया, अपनी कोई कमेटी वगैरह बनाई। तो देखा गया कि इनके पास में काफी एक तरीके से नहीं संपत्ति इकट्ठी कर रखी है। कहीं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट इनका विद्यालय में देखने को मिलेगा, नोएडा के अंदर भी देखने को मिलेगा, 10 बीघे जमीन कहीं और, इसी के साथ में और भी कई जगह, और इवन घर वालों के जो खाते हैं वो भरे पड़े हैं। तो ये जब देखा गया कि अब तक जो इनके पास में इनकी आय जो होनी चाहिए थी वो लगभग 50,48,204 रुपये होनी चाहिए थी, पर लेकिन ये ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं 3,12,37,756 रुपये। यानी कि आय तो होनी चाहिए थी 50 लाख, पर 3 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इनके द्वारा जो है वो दबाकर घूस ली गई है, जिसके चलते यहां पर इनके खिलाफ जिसने भी एफआईआर करी तो एफआईआर जो है वो आगे नहीं बढ़ी, और यहीं पर इनकी एफआईआर जो है, मतलब एफआईआर के एक तरीके से शिकायत दर्ज की गई। एफआईआर तो खैर क्या ही, मतलब एक नॉर्मल इंसान की कोई मानेगा आईएएस के खिलाफ? तो यहां पर जब गवर्नमेंट के ही जो यहां पर कुछ नुमाइंदे अगर आकर कोई काम करे तो ही सोल्यूशन निकल सकता है। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को याद होगा एक वीडियो मैंने बनाई थी यहां पर इनके बारे में, इनका नाम क्या है, इनका नाम था पूजा। अब इनके पास भी कुछ ऐसी हरकतें देखने को मिली थी, यानी कि एक तरीके से इनके द्वारा भी काफी लार्ज स्केल पर करप्शन किया गया था, जिसके चलते यहां पर इनके खिलाफ भी केस चला, और अभी एक ये अधिकारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा आईएएस अधिकारी की बहुत सारी वीडियोज वायरल होती है कि हाँ आईएएस अधिकारी कितना शानदार काम कर रहा है, या फिर उसकी एंट्री को लेकर अगर बात करें तो अच्छी चीज रहती है। पर लेकिन जब ऐसी कोई वीडियो सामने निकल कर आती है तो ये भी जरूरी है, उन्हें कहते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू लोगों को पता होने चाहिए। वो अच्छी अच्छी चीजें बता दो, और बाकी ये वाली चीजें भी होती है, ये वाला चेहरा भी होते हैं, ये न बताए तो फिर यार गलत बात होती है। तो यहां पर लोगों को अब ये भी देखने को मिलेगा कि जिस पोस्ट पे कई सारे लोग अपनी लालच भरी निगाह के चलते हुए जाते हैं कि आईएएस बन जाएंगे तो सब कुछ अपने हाथ में होगा, सारे टेंडर अपना अपने घर वालों को देंगे और शानदार तरीके से जिंदगी को एंजॉय करेंगे, तो ऐसे केस जब निकल कर आते हैं तो कम से कम उनके कान खड़े होंगे, और आगे आने वाले जो भी जो खासकर तैयारी कर रहे हैं वो सही इंसान यहां पर एंट्री करने की सोचेगा, ना कि एक ऐसा इंसान जिसके मन में लालच भरा होगा। तो इस तरीके की सिचुएशन यहां पर कहीं ना कहीं देश के अंदर सुधरेगी। क्यों? क्योंकि यार जो पैसा होता है, जो यहां पर इनको यहां पर ये पैसा जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पैसा जो है ये आम जनता का है, टैक्स पेयर की मनी है यहां पर। ये गवर्नमेंट पैसा बर्बाद कर रही है, आईएएस पैसा जो है वो एक तरीके से बर्बाद कर रहा है, या कोई भी इस तरीके से हरकतें हो रही है, तो ये अपने घर से नहीं दे रहे हैं, हम जैसे लोग जो है वो टैक्स पे करते हैं, और उसकी मनी जो है ये यहां पर आप लोगों को बर्बाद होती हुई पाई जाती है। इनसे लगभग 13 घंटे लगातार इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे उनके एक भी जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो ढंग से नहीं दिए गए, और इसी के साथ में कई सारी तो ये भी रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि जो भी इनसे क्वेश्चन पूछे उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, यानी कि उन्होंने एक तरीके से चुप्पी साध ली कि तुम पूछ लो, तुमको जो पूछना है हम कोई भी जवाब नहीं देंगे।
तो क्यों है कि एक तरीके से अगर मुंह से आवाज निकल गई तो फिर तो वही है कि बयान दर्ज हो गया। अब तो भाई साहब वही है कि अब तो कोई रोक ही नहीं पाएगा कि हाँ एक तरीके से फिर तो सलाखों के पीछे जाने जाने। तो अपना मुंह जो है बंद रखना वो यहां पर आसान माना जाता है। तो यहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये काफी एक बड़ी दुर्घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और खासकर एक आईएएस की पोस्ट जिसको लेकर काफी सारे लोग रहते हैं कि यार आईएएस बनना है, उनके लिए यहां पर ये एक तरीके से कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज देखने को मिलेगी कि इस तरीके से नहीं, वो पोस्ट जो है उसकी गरिमा पर एक दाग लगता हुआ भी यहां पर नजर आता है। और भी ऐसा जब पहली बार किसी आईएएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया जा रहा है एक स्टेट के अंदर। हालांकि इनके वकील साहब जो है उन्होंने पूरी कोशिश की इनको बचाने की, और कोर्ट के अंदर भी इनके द्वारा एक तरीके से याचिका दर्ज की गई कि इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, पर लेकिन इनकी याचिका को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने जो है कोई भी रियायत इनको नहीं दी है। और अभी फिलहाल इनको लगभग मुझे लग रहा है 14 दिन की कस्टडी में इनको भेज दिया गया। तो अभी आने वाले टाइम में अभी देखा जाएगा जो भी सिचुएशन रहेगी यहाँ पर आप लोग खुद सोचिए, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है एक ऐसी पोस्ट पर है और जो रिटायर होने जा रहे हैं, और आप लोग इनका क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड देखोगे ना, वो बड़ा ही अच्छा है, पढ़ने में काफी मेधावी स्टूडेंट, और यहाँ पर वो भी एक ऐसे पड़ाव पर आकर जब जिंदगी में रिटायरमेंट के पड़ाव पर इंसान पहुंच चुका है। एज देखो आप लोग यहाँ पर ये रिटायरमेंट के पड़ाव पर आ रहे हैं, कुछ ही दिनों में ये रिटायर हो जाते हैं, पर लेकिन अब देखो यहाँ पर एक ऐसा धब्बा लग गया कि आने वाली जनरेशन जो है इनकी, तो बेसिकली इनको जो आने वाली जनरेशन है वो तो खासकर एक तरीके से देखेगी देखेगी। अब कभी भी उत्तराखंड के इतिहास को कोई उठाकर पढ़ेगा कि कोई आईएएस अधिकारी जेल में गया, पहली बार कोई आईएएस अधिकारी जेल में गया, तो वो वाली एक ऐसी चीज हो गई कि इनको कभी ना कभी अगर जरा सी भी, नहीं कहते कि इंसान के अंदर में जरा सी भी गैरत होती है तो वो हमेशा उस इंसान को जो है वो सोने नहीं देती है। तो वाली चीजें हैं यहाँ पर कि एक तरीके से इस टाइम पर आकर, तो वही कहते हैं यार लालच ना एक बड़ी खतरनाक चीज है, और इंसान ना हमेशा शॉर्टकट में कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करने की सोचता है, और जिस इंसान ने लाइफ में शॉर्टकट मारने की सोची है उस इंसान का हमेशा ये हाल हुआ है। और ये तो अच्छी बात है कि सिस्टम जैसे दुरुस्त होते हैं चीजें, कम से कम कोई ऐसी सिचुएशन आती है निकल कर तो कम से कम उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास में एक ढांचा है, ठीक है इस तरीके से, वरना वही है कि बेलगाम के घोड़े हो जाए फिर अपने हिसाब से काम किया जाए। तो ये मेरे हिसाब से तो काफी सही हुआ, और जो भी करप्ट अधिकारी हैं इस तरीके से कोई भी हरकतें करता पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए यार, ताकि आने वाले टाइम में कम से कम एक सबक भी मिले, जो नए नवेले जो भी अधिकारी आ रहे हैं वो भी प्रॉपर वे में काम करें कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। वरना ये लगता है कि आईएएस बनने के बाद में जैसे कि हमसे बड़ा बादशाह कोई है नहीं। आप लोगों ने कई बार देखे होंगे इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कई सारी जब वीडियोज जो है वो वायरल होती है, तो ये काफी अच्छा सबक होगा यहाँ पर। तो आई होप कि आगे आने वाले अधिकारी जो हैं वो एथिक्स का पेपर जो उनको पढ़ाया जा रहा है उसे कुछ सीख कर आगे बढ़ेंगे, और कम से कम ये करप्शन नहीं करें, क्योंकि जब भी कोई आईएएस अधिकारी करप्शन करता है ना यार वो हमेशा किसी गरीब के पेट पर लात लगती है, क्योंकि अमीर जो है उसको कुछ नहीं बिगड़ता है, हमेशा गरीब का पेट कटेगा। तो ये काफी बड़ी एक ऐसी सिचुएशन होती है, क्यों नहीं कहते कि विडंबना वाली बात होती है कि जो भी इस तरीके की सिचुएशन होगी हमेशा एक गरीब इंसान जो है उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ या फिर उसकी सोशल सिक्योरिटी पर लात लगती है यहां पर नजर आएगी। तो कोशिश की जाएगी कभी ये सिचुएशन नहीं देखने को मिले, तो आने वाले टाइम में भी यहां पर इनके ऊपर काम करना चाहिए। तो देखो आगे क्या सिचुएशन होती है, अच्छा हुआ इस तरीके से अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको इस तरीके से सजा मिलनी ही चाहिए।